हेलो दोस्तों, मैं गौरव बोध एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्विज सॉल्यूशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आज हम आपको UGC नेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ स्कूनल सेवन पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लिटरेसी मॉडल। निम्न में से कौन सा सूचना साक्षरता मॉडल की स्कूनल सात खंभे के हिस्से हैं? तो इसका आंसर है गैदर, स्कोप एंड प्रेजेंट, ABD। थर्ड आंसर इज थर्ड। दोस्तों, स्कूनल के सेवन पिलर्स को इंफॉर्मेशन लिटरेसी के कोर मॉडल में प्रिजर्व नहीं होता है। दोस्तों, वीडियो में कोर मॉडल को दिखाया गया है और सेवन प्लेयर्स के वर्ष को बताया गया है, जैसे कि जितने भी इसके कोर मॉडल हैं उनके नाम यहाँ लिखाया गया है। आइडेंटिफाई, स्कोप, प्लान, गैदर, रिव्यूलेट, मैनेज एंड प्रेजेंट, इनके बारे में यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब किया गया कि आइडेंटिफाई बेल टू आइडेंटिफाई पर्सनल नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, स्कोप कैन एक्सेस करंट नॉलेज एंड आइडेंटिफाई गैस, प्लान कैन कंस्ट्रक्ट स्टडीज फॉर लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन एंड डेटा, गैदर कैन लोकेट एंड एक्सेस द इन्फॉर्मेशन एंड डेटा दे नीड, एवेल्युएट कैन रिव्यू द रिसर्च प्रोसेस एंड कंपेयर एंड एवेल्युएट इन्फॉर्मेशन डेटा, मैनेज कैन ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनली एंड एथिकली, प्रेजेंट कैन अप्लाई द नॉलेज, प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ रिसर्च, सिंथेसाइजिंग न्यू एंड ओल्ड इन्फॉर्मेशन, क्रिएट न्यू नॉलेज एंड डिसेमिनेट। तो को और उसके सर्विस को डिस्कस करेंगे और इन्फॉर्मेशन लिटरेसी डेफिनेशन और स्कूनल के द्वारा दी गई डेफिनेशन को देखेंगे। स्कूनल स्टैंड्स फॉर सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। स्कूनल की स्थापना 1950 में नेशनल एंड यूनिवर्सिटी के एक सम्मेलन में हुई थी। 1994 में पॉलिटेक्निक लाइब्रेरियन की काउंसलिंग के साथ इसको मर्ज कर दिया गया था, जिसे कोपाल काउंसलिंग ऑफ पॉलिटेक्निक लाइब्रेरियन लाइब्रेरियन कहा जाता है। 2000 में इसका नाम बदलकर सोसाइटी ऑफ कॉलेज नेशनल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन कर दिया गया था। हाँ दोस्तों, हम स्कूनल की सर्विसेज को थोड़ा ध्यान में देंगे क्योंकि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली जो इसकी सर्विस है, स्कूनल एक्सेस, ये स्कीम के केवल स्कूनल के मेंबर्स के लिए ओपन है और स्कूनल में जुड़ने या इसके साथ शामिल होने वाले संस्थानों में से कोई फीस भी नहीं ली जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। सेकंड वाली जो स्कूनल है, सपोर्टिंग रीजनल एंड नेशनल कंसोर्शिया, को दोनों प्रकार से रीजनल और नेशनल संघ का समर्थन करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन लिटरेसी जिसके भी आपके स्कूल बनाया गया था उन दोनों को यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी क्या है उसकी डेफिनेशन है, द कैपेबिलिटी टू नो वैन देयर इज अ नीड फॉर इन्फॉर्मेशन टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज, फाइंड, इवेल्युएट एंड इफेक्टिवली यूज द इन्फॉर्मेशन फॉर द सोल्यूशन। फिर ये स्कूनल डिफाइंस जो इन्फॉर्मेशन लिटरेसी कर रहा है उसके बारे में बताया है। इन्फॉर्मेशन लिटरेट पर्सन विल शो एन अवेयरनेस ऑफ हाउ दे कलेक्ट, यूज, मैनेज, प्रोड्यूस एंड जनरेट इन्फॉर्मेशन एंड डेटा इन अ मॉरल मैनर एंड विल हैव द इन्फॉर्मेशन स्किल्स टू बी इफेक्टिवली। ये दोस्तों इसके स्कूनल के बारे में था जो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है। बाकी आप इन्फॉर्मेशन लिटरेसी को और स्कूनल को सही से पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज इज अ पब्लिकेशन ऑफ। पुस्तकालयों के लिए इंटरनेट गवर्नेंस गाइड एक प्रकाशन है। ऑप्शन दिए गए हैं ALA, IFLA, यूनेस्को, UGC, OCLC। आंसर है दोस्तों उसका IFLA, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इसका जो हेड ऑफिस है द हैग में है, नीदरलैंड में। इफ्ला जो फाउंडेड हुई थी 1927 में हुई थी। हमने इफ्ला की फुल फॉर्म आपको बता दी है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही चीज़ें
इम्पोर्टेंट है। इफला का हेडक्वार्टर द हैग नीदरलैंड, फाउंडेड इन 1927, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। दोस्तों अभी हम थोड़ा इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट गवर्नेंस गाइड और लाइब्रेरी है, यह एक इफला का पब्लिकेशन है। इंटरनेट गवर्नेंस एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जहां रूल्स, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स को कवर्स करता है, और यह निर्धारित करता है कि इंटरनेट फिजिकली कनेक्शन से लेकर इंफॉर्मेशन और प्रोग्राम्स पर कैसे कार्य करते हैं। इस गाइड में कुछ चैप्टर्स हैं जो कि गाइड में इंटरनेट गवर्नेंस के विभिन्न एक्टिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे हम चैप्टर दिखा दिए हैं जो कि उसके पब्लिकेशन, जो इंडियन इंटरनेट गवर्नेंस गाइड फॉर लाइब्रेरीज है उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उसको यहाँ पे शो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हास इज ऑल्सो नोन एज, हास के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शंस हैं दोस्तों, इसका आंसर है IEEES। इसका जो फुल फॉर्म है IEEES का, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। पहले हम दोस्तों हास के बारे में जान लें। हास स्टैंड्स फॉर हार्डवेयर एज ए सर्विस। हास एक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का हार्डवेयर सॉल्यूशन है जिसमें एक बिजनेस अपने कंप्यूटर इक्विपमेंट को थर्ड पार्टी को रिप्लेस, अपडेट और मेंटेन करने की जिम्मेदारी सौंपता है। ऐसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इसका एक सर्विस मॉडल है जो आउटसोर्स बेसिस ऑपरेशंस को डिलीवर कराता है। यह हार्डवेयर, स्टोरेज, सर्वर्स एंड डेटा कंटर्स स्पेस प्रदान करता है। इसमें सॉफ्टवेयर भी ऐड किए जा सकते हैं। हमने यहाँ पे इसके बारे में बताया है। एक दोस्तों लाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज ऑल्सो नोन एज हार्डवेयर एज ए सर्विस, जिससे इसका आंसर ही मैच हो रहा है इसके साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द प्रोटोकॉल यूज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल इज नोन एज, ईमेल के सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल। ऑप्शन है पॉप, PGP, SNMP, TCP। आंसर है दोस्तों इसका PGP। इसकी फुल फॉर्म है प्रीटी गुड प्राइवेसी। देखिए दोस्तों, PGP और TLS दो कॉमन मेथड है जो ईमेल्स को इनक्रिप्ट करते हैं। पहले मैं ये बता दूं कि TLC क्या है। TLC स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और TLC का उपयोग ईमेल या मैसेज को सिक्योरिटी और प्राइवेसी, उसकी जो गोपनीयता है, उसे प्रदान करता है। इसके जो बेनिफिट्स हैं TLS के, पहला जो है इसका है स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन। ये एंटी स्पैम मैसेज को फिल्टर करता है। सेकंड है मैसेज प्राइवेसी। ईमेल्स के एक साइड से सेकंड पर्सनल या रिसीव पर्सन और रिसीवर तक इनक्रिप्ट करता है, ऐसा कुछ इसमें बताया गया है। थर्ड है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स के मेल्स को बदला नहीं जाता, यानी कि उसके साथ में, यूजर के साथ में वफादारी निभाते हैं। पिछले भी दोस्तों एक TLC की तरह ही कार्य करता है, जैसे क्रिप्टोग्राफिक प्राइवेसी एंड ऑथेंटिकेशन टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु प्रोपाउंडेड मिनिमम, मिडलिंग एंड मैक्सिमम थ्योरी इन रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा में किसने न्यूनतम, मध्यम और अधिकतम सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ऑप्शन है CM विंसेल, जेम्स आइवर, सैमुअल रोथस्टेन, DW लेविस। आंसर है दोस्तों इसका सैमुअल रोथस्टेन। सैमुअल रोथस्टेन ने 1961 में तीन थ्योरी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये तीनों थ्योरी प्राइमरी कंसेप्ट को फियर, मतलब कि रेफरेंस सर्विस को लेके, उसमें विश्वास और शीघ्रता को लेके दिए गए थे।
ये तीनों जो थे, ये तीनों थे मिनिमल, मैक्सिमम और मिडलिंग थे। इन तीनों को एक्सप्लेनेशन को पीडीएफ में हमने बायो में लिंक दिया है, आप वहाँ से थोड़ा डीप स्टडी कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ प्रीसिस? प्रीसिस के प्रदर्शन तत्व कौन से हैं? ऑप्शन दिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसके ऑप्शन हैं क्वालिफायर, कॉल नंबर, डिस्प्ले लीड। इसका जो आंसर है वो है क्वालिफायर, डिस्प्ले और लीड, जो कि है थर्ड ऑप्शन, बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, प्रीसिस स्टैंड्स फॉर प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्सिंग सिस्टम। दोस्तों प्रीसिस को डेरेक एस्टिन ने 1968 में सब्जेक्ट इंडेक्सिंग और ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी BNB के लिए डेवलप किया था। प्रीसिस एक कंप्यूटर असिस्टेड प्री कोऑर्डिनेट सब्जेक्ट इंडेक्सिंग सिस्टम है। इसे चेन इंडेक्सिंग का डेवलपमेंट भी माना जाता है। प्रीसिस ने 1990 में कॉम्पास, जो कि कंप्यूटर एडिट सब्जेक्ट सिस्टम था, को रिप्लेस कर दिया था। प्रीसिस के डिस्प्ले एलिमेंट जो हैं लीड, क्वालिफायर और डिस्प्ले, इनको शो करने का एक अलग मेथड या वे होता है। जैसे पहली लाइन में लीड और क्वालिफायर को रखा जाता है, दूसरे में डिस्प्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज प्रपोज्ड बाय सिद्धांत, नवाचार का प्रसार द्वारा प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन है जूडी स्मिथ, एरिक टेंजेमल, पीटर रेकर, एवरेट एम रोजर्स। दोस्तों इसका आंसर है एवरेट एम रोजर्स। जो DOI की थ्योरी है, इस सर एवरेट एम रोजर्स ने 1962 में दी थी। यह सबसे पुराने सोशल साइंस थ्योरीज में से एक है। ये नोट करने वाली बात है दोस्तों, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका जो मेन मोटिव है, इस थ्योरी का जो मेन मोटिव है, वो समय के साथ साथ एक आइडिया और प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन और एक सोशल सिस्टम तक पहुंचाने का कार्य करता है, इस जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आप इस जरूर इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे एक डायग्राम भी दिखाया गया है दोस्तों कि कैसे ये वर्क करता है, उसको थोड़ा डीप देखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक ऑर्डर विजिलेंस पैड BOVP वा सजेस्टेड बाई बुक ऑर्डर सतर्कता पैड द्वारा सुझाया गया था। ये तो दोस्तों बहुत आसान है, माइकल गोरमैन इसका आंसर है। दोस्तों इनके बारे में इससे पहले भी बता चुका हूँ कि माइकल गोरमैन एक ब्रिटिश लाइब्रेरियन थे, जो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन 2005 से 2006 के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके बारे में इससे पहली वीडियो में दोस्तों बता चुका हूँ, एक बार उसे जरूर देख लीजिएगा थोड़ा डीप पढ़ने के लिए। दोस्तों बुक ऑर्डर विजिलेंस पैड का आइडिया था वह माइकल मॉर्गन ने सजेस्ट किया था। बहुत सी वेबसाइट और क्विज के आंसर डॉक्टर रंगनाथन दिया गया है, पर आप कन्फ्यूज ना हो, इसका सही आंसर माइकल गोरमैन है, उसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज डेवलप्ड बेब एक्सेल? बेब एक्सेल किसने विकसित किया है? ऑप्शन है ओले पर्सन, चेरिस एग्रीस, रूम, फेडरिक हेजरबर्ग। आंसर इज ओले पर्सन। दोस्तों बेब एक्सेल को बिब्लियोग्राफिक डेटा के एनालिसिस के लिए डिजाइन किया गया है। यह किसी प्रकार के डेटा लाइक टेक्सचुअल फॉर्म या नेचर जो भी है उसका फॉर्मेटेड डेटा को एनालाइज कर सकता है। दोस्तों बिब एक्सेल किसी टेक्सचुअल डेटा फाइल को एक्सेल फाइल में इंपोर्ट करता है और आगे की प्रक्रिया के लिए टैब्ड डेटा रिकॉर्ड कर लेता है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि बिब एक्सेल का मेन जो वर्क है वो है कि किसी भी फॉर्मेट के जो डेटा होता है उसको एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर देता है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NDL
इंडिया इज डेवलप्ड एंड मेंटेन बाय। दोस्तों सबसे पहले तो आप एनडीएल की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि आईआईटी खड़गपुर ने इसको प्रपोज किया था सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आंसर भी आईआईटी खड़गपुर ही है। ठीक है दोस्तों, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया NDLI, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT के द्वारा चलाई और मेंटर की जाती है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक वर्चुअल रिपोजिटरी है जो लर्निंग रिसोर्सेज का भंडार है। इसके बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत और लिखा है, जैसे कि कब लॉन्च हुआ था फर्स्ट टाइम, ये 10 नवंबर 2006 को हुआ था। लैंग्वेजेस में 10, 10+ में है अब तो खैर। और हेडक्वार्टर जो है इसका आईआईटी खड़गपुर इंडिया में है। थैंक यू दोस्तों आज की वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए हमारे साथ में। बाकी हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में देते हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर लाइव मटेरियल प्रोवाइड भी कराते हैं हम लोग। अगर आपको चाहिए तो आप हमें ईमेल, व्हाट्सएप या टेलीग्राम जैसे भी फेसबुक से भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।